Hello students, welcome to anandsaronline.com. So today we will be doing how to find inverse of a matrix. देखो बेटा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके की होती है, एक होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड अनदर इज योर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो दूसरा है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, वी स्टार्ट विद ए इज इक्वल टू ए इंटू वाई एंड देन वी डू सीरीज ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड अराइव टू द स्टेप ऑफ आई इज इक्वल टू ए टाइम। देखिए इसमें होगा क्या, फर्स्ट स्टेप आप ले लेंगे ए इक्वल्स टू वाई इंटू ए, यू विल डू सीरीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको मिलेगा एक इक्वेशन मिलेगा, इस तरफ आ जाएगा आई और इस तरफ आ जाएगा आपके पास बी इंटू ए, राइट, देर विल बी सम मैट्रिक्स बी। नाउ सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, राइट, इट इम्प्लाइज ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में यू विल स्टार्ट विद ए इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ आई एंड देन यू विल डू सीरीज ऑफ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड अराइव टू आई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ से सब मैट्रिक्स बी एंड देन यू विल कंपेयर विद दिस, इट मीन्स दैट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखो सी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट आई विल राइट, वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, इट इंप्लाइज 1 2 माइनस 1 3 1 0 0 1 2। नाउ वी विल डू सीरीज ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन टू मेक दिस मैट्रिक्स एज आई, इधर वाले को आई बनाना है। तो क्या करते हैं हम, आपको चेक करना है कि आई में क्या होता है, 1 0 यहां पहले 1 है फिर 0 है फिर यहां 1 बना के यहां 0 लेके आना है, इस ऑर्डर में लेके आना है, यू विल गो विद यू ऑर्डर। वन तो है ही, तो वन है तो यहाँ जीरो बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल राइट रो टू अप्रोचेस टू रो टू माइनस टू रो वन, यस रो वन तो वैसे ही है उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, टू माइनस टू विल गिव यू जीरो एंड थ्री प्लस टू विल गिव यू फाइव, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, दिस इज वन। नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को इधर वन लेके आना है, तो व्हाट आई विल राइट रो टू अप्रोचेस टू वन बाय फाइव टाइम्स ऑफ रो टू, वन माइनस वन जीरो वन, इधर हो जाएगा वन जीरो माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाय फाइव। नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को यहां जीरो लेके आना है, सो आई राइट नेक्स्ट इज रो वन अप्रोचेस टू रो वन प्लस रो टू, डूइंग दिस वी गेट वन जीरो जीरो वन, इधर आई आ गया, वन माइनस टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव, वन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई फाइव, ए विच इज सेम एज आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू ए, कंपेयरिंग विद दिस ए इनवर्स इज थ्री बाई फाइव 1 by 5, minus 2 by 5, and 1 by 5. Now see here, first of all, I will make this as 1. आपको इसमें किस ऑर्डर में चलना है, पहले आपको ये 1 बना approaches to half of row 1. It implies 1 minus 3 by 2, 3 by 2, 2, 2, 3, 3 minus 2, 2. हर एक स्टेप में मैच करते जाना, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। 1 by 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, और इधर आ गया A. अब क्या करना बेटा जी, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, तो रो 2 changes रो 2
minus 2 rho 1 and rho 3 tends to rho 3 minus 3 rho 1. एक साथ दोनों जीरो बनाने हैं आप. हाँ जी सर, वो तो हो जाएगा. मैं तो ये 100 तो आ ही जाएगा यहाँ पे. So this gives you 1 minus 3 by 2 rho 2 minus 2 rho 1 ये हो गया 0. Then 2 plus 3 हो गया 5. अगर ऐसे ना समझ में आए तो लिख के देख लो twice of अब वही करता हूँ माइनस 3 by 2 तो ये हो गया 2 plus 3 5 एंड 3 minus 3 ये हो गया 0 राइट. देन ये आ गया 0 minus 2 एंड plus 9 by 2 दिस गिव्स यू 5 by 2 and 2 minus 9 by 2 gives you minus 5 by 2. Yes. Right? And here, half, 0, 0. 0 minus this 3 ho gaya minus 1. 1 or 0. This ho gaya minus 3 by 2. 0 or 1. Isko hata dete hain. Next step kya karenge ab? यहाँ पे 5 की जगह 1 लेके आना है. तो मैं रो 2 अप्रोच इज टू 1 बाय 5 ऑफ रो 2 कर दे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 बाय 2 3 बाय 2 0 1 0 0 5 बाय 2 एंड माइनस 5 बाय 2 एंड दिस इज 1 बाय 2 0, 0, minus 1 by 5, 1 by 5, 0, 0 minus 3 by 2, 0, 1, और ये हो गया आपके इंटीग्रल. राइट? राइट. नेक्स्ट स्टेप इज, वी हैव टू मेक दिस अस 0. राइट दिस एंड दिस इज जीरो. तो क्या करेंगे रो थ्री टेंड्स टू रो थ्री माइनस 5 by 2 टाइम्स ऑफ रो टू. यस सर. और रो वन के लिए हो जाएगा रो वन प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑफ रो वन. यस रो टू. तो यहां पे हो जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1 0 3 by 2 0 1 0 हो जाएगा आपका 0 0 -5. मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई है रो वन में 3 by 2 टाइम्स ऑफ रो टू एड किया है तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑफ -1 by 5 तो क्या 1 by 2 माइनस 3 by 10 तो क्या 5 by 10 माइनस 3 by 10 2 by 10 यानी कि हो गया 1 by 5. यस 0 प्लस 3 by 2 टाइम्स ऑफ दिस तो हो गया 3 by 10 और 0 देन माइनस 1 by 5 1 by 5 एंड 0. और रो थ्री में आपने क्या किया है माइनस 5 by 2 टाइम्स ऑफ रो टू किया है तो ये हो गया आपके पास रो थ्री माइनस 5 by 2 टाइम्स ऑफ रो वन. तो इसमें ये कट गया प्लस 1 by 2 आ गया तो माइनस 2 by 2 दैट इज माइनस 1 और माइनस 5 by 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 5 by 2 टाइम्स ऑफ 1 by 5 तो माइनस 1 by 2 एंड 1. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे इस जगह पे आपको 1 लेके आना है तो क्या करेंगे आप रो 3 अप्रोचेस टू माइनस 2 by 5 टाइम्स ऑफ रो 3. इट इंप्लाइज यू विल गेट 1 0 3 by 2
जीरो वन जीरो 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 वन राइट, राइट, सो दिस विल वन बी वन बाई माइनस फाइव, 3/10, जीरो माइनस वन बाई फाइव, 1/5, जीरो, और ये 2/5, ये 1/5 माइनस 2/5 राइट। राइट, एंड इसके अंदर लास्ट प्रॉपर्टी क्या लगेगी, R1 चेंजेस R1 माइनस 3/2 R3. R1 अप्रोचेस टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3, इट इंप्लाइज क्या आ जाएगा आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आ गया. और यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ, तो 1/5 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 2/5, तो 1/5 माइनस 3/5 हो गया माइनस 2/5, तो 3/10 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ 1/5, 3/10 माइनस 3/10 जीरो, एंड जीरो माइनस 3/10 टाइम्स ऑफ माइनस 2/5 हो गया 3/5, एंड रेस्ट टू रिमेन्स द सेम, माइनस 1/5, 1/5 जीरो, टू बाई नीचे फाइव, 1/5 माइनस 2/5, सो दिस इज द रिस्पेक्टिव ए इनवर्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आपका ए इनवर्स आ गया। जाएगा. फिर एक बार